लगी है। गुड मॉर्निंग गाइस। जब चार मुंबई के लौंडे बिना घर पर बताए निकल जाए एक अनजान मंजिल के रास्ते, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, तो समझ जाइए भैया मामला गंभीर है। तो जनाब, इस कहानी की शुरुआत होती है चार ऐसे परिंदों को लेकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पिंजरों में फंसे हुए थे। जागो रे, देखो रे, दुनिया ए देखो रे। ये उड़ना तो चाहते थे पर कभी हिम्मत जुटा ना सके उड़ जाने की, क्योंकि इनके पंख कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अनगिनत कामों से भारी पड़े होते थे। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इन वादियों और हवाओं में उड़ना कैसा लगता होगा, खुले आसमान में पंख खोलकर बिना किसी के फिक्रे उड़ना कैसा लगता होगा। पर इनकी दुनिया में तो बस दुनियादारी के बोझ लटके हुए होते थे। अब जाहिर सी बात है, इतने बोझ के साथ तो कोई कभी उड़ नहीं पाएगा। पर एक दिन ये पिंजरा खुला, जब इन परिंदों ने आखिरकार उड़ जाने का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को फैसले में बदला। जब इनके पंख खुले इन वादियों में और इस विशाल आकाश गंगा में, तब एक कहानी बन गई, चार ऐसे परिंदों की जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नहीं देखा। शुभमा एक्सपीरियंस है, बोलना। अभी सो के उठा, थोड़े देर पहले सोया था। थोड़े देर नहीं, थोड़े मिनट पहले सोया था। गुनिशा जिंदगी। क्योंकि इनका घर अब इस छोटे पिंजरों से बड़ा हो गया था और अब ये अनजान मंजिल और रास्ते ही इनका घर बन गए थे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, खुशियाँ हैं थोड़ा थोड़ा गम भी, चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की गुद्दारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। पता है, यूकेलेले तो वैसे तो मैं घर पे यूजुअली रोज प्ले करता हूँ, पर इसको वादियों और पहाड़ों के बीचों बीच, नदियों के किनारे दोस्तों के साथ बैठ के ना प्ले करने को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। मतलब पूरा वाइब बदल जाता है। ऐसा लगता है कि भाई ये किधर आ गए हम लोग। मतलब ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि यार नेचर के बीच में वो चीज़ करो जो हम घर पे बैठे बैठे करते हैं, यार पूरा सीनरी और पूरा वाइब बदल जाता है। तो कैसा था ना, ये सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि जाए कैसे शुभम के गांव। शुभम तो हर बार बस से गया है, उसके गाड़ी से गया, तो हमारा भी वही डिसीजन था कि गाड़ी से जाते या तो बस से जाते। तो जैसा कि मैं बाइक एंथुसियास्ट हूँ, मुझे राइडिंग बहुत पसंद है, मैं सजेस्ट किया कि हम बाइक से जाते यार। मेरा बाइक तो है, अब हम बाइक से जाते सब लोग, जो कि है हिमालयन 411। तो दूसरा गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, फिर बाद में याद आया दीपक के पास और एक गाड़ी है, क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड का। बट उसके लिए एक मेन प्रॉब्लम जो था ना, वो थे दीपक के पप्पा की परमिशन। मैं बोला भाई अब तू मतलब गर्दन कटाने की बात कर रहा है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड निकालनी है, वो भी 350 क्लासिक, जो पप्पा की इतनी खास है, मेरे को पप्पा से परमिशन मांगना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे तैसे करके मैंने पप्पा को कन्विंस किया और ये न्यूज़ जब उसको दिखाया, भाई खुश हो गया। अब बात ऐसी हुई कि घर पे ही दो रॉयल एनफील्ड और दोनों भी आ रही है, तो राइड का इतना मजा आना जायज है। जिस हिसाब से अपने शूट चल रहे थे ना, लगा ही नहीं था अपन ट्रिप पे आएंगे। वही तो आज ही की तो बात है कि आज हम 5 बजे तक सुबह एडिटिंग कर रहे थे, लास्ट मोमेंट क्लाइंट का भी एडिट्स आ गया था, चेंजेस आ गए थे, फिर भी हम कैसे जैसे मैनेज करके ट्रिप पे आ ही गए। इतना काम था, इतना शूट था, एडिट था, अपन सब लोग फंसे थे काम में।
अपनी आंखों में नींद है फिर भी मजा आ रहा है इस ट्रिप में जो हम किए ट्रैवल वो बेस्ट है। आगे क्या आने वाला है? जाने वाला है हनुमान जी का मंदिर। मालशेर घाट कैसा लगा? कैसा लगा मालशेर घाट? मैं तेको पूछ रहा हूँ। यार इतना नीला पानी तो मुंबई में कभी देखा ही नहीं मैंने। इतना नीला पानी देखा क्या कभी मुंबई में? पानी भी नीला है और नजारा भी नीला है। फक मेरा मेन कंसर्न तो अभी आया कि हमको जाना है अबाउट 250 किलोमीटर और रिटर्न भी आना है और 3 दिन मतलब नॉन स्टॉप ड्राइव है हम लोग का, तो ड्राइव कर पाएंगे या नहीं? बिकॉज मेरे को तो आदत है, मैं 3 to 4 hours नॉर्मली राइड कर देता हूँ वन शॉट में। मेरा मेन क्वेश्चन वही था और कंसर्न भी वही था कि ये लोग बैठ पाएंगे, ये लोग बाइक पे पीछे इतना टाइम रहेंगे, बाइक चला पाएंगे, बट ये चारों ने भी जो साथ दिया ना वो जर्नी में मजा आ गया। बस पहचाने जो कोई ना जाने किस पर कहां कैसे खोता करार। मेरा तो मानना यही कि यार एक बार घर से बाहर निकल के बाकी स्टेट्स को नहीं, जिस स्टेट में रहते हो ना उस स्टेट को जरा डीप या तो डेप्थ में एक्सप्लोर करो। तुम्हारे घर के अंदर इतना कुछ छुपा है कि जब तक तुम उसको ढूंढने नहीं जाओगे ना तब तक तुम ये जान नहीं पाओगे कि यार क्या था ये। तो जनाब अब बात ऐसी है कि ये जो हाल आप देख रहे हो कि हम सभी बहुत तबीयत से थक कर पड़े हैं वो क्या है ना, 250 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करना हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं था पर नामुमकिन भी नहीं। हमारी बॉडी ने तो हमारा साथ छोड़ दिया था पर मन और दिल अभी भी अपने जिद पर था कि मंजिल अभी भी दूर है काफी, चलो उठो और बस निकल जाओ। फिर क्या होना था, मन और दिल की बातें हमने सुनी और बस निकल पड़े हम हमारी अधूरे सफर पर। तो राइड की शुरुआत हुई थी और स्टार्टिंग में हम लोग मुंबई से निकले और ठाणे में ही मैंने एक एक्सीडेंट कर दिया, एक 4-wheeler का आईना तोड़ दिया भाई। फिर उसके बाद दीपक ने सॉर्ट आउट कर दिया वो चीज़, फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था लेकिन बाद में जो नज़ारे देखे, मालशेट घाट देखा, सब व्यूज़ देखे, उसके बाद जो मज़ा आया राइड करने के लिए, फिर बूम तुम लोग का भाई डायरेक्ट 80 kilometers। सफर करते समय ना चाय ना मिले तो पार्ले जी और पानी से भी काम चला लेते। तो बात ऐसी है ना, एक घंटा राइड तो कर ली है बट आराम के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो उतने में ये अच्छा खासा स्पॉट मिल गया और सोचा रुक जाते हैं, तो रुक गए यहीं पे। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा। भाई थक गए भाई। ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। मेरे को लगा था इजी होगा ये ट्रिप पर नहीं है, बेकार बिल्कुल नहीं है। अरे पहली बात तो दीपक गुप्ता नो देवी ए ला मिरादा केदाते सरका दे मी मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना। होता है ना कि दोस्तों से बातें तो टेरेस और घर पे हमेशा होती रहती है पर जब ये कन्वर्सेशन हम कहीं और लेके जाते हैं ना, जैसे वादियों में करना, पहाड़ों के बीच में करना, राइड करते करते करना, भाई गजब का फीलिंग है। मतलब लगता है कि हम खुद पिक्चर बन गए या तो पिक्चर वाली लाइफ जी रहे हम लोग। डर रहता कैमरा हाथ में, ये मैं भर नहीं पा रहा हूँ उसकी भाषा।
जाना कहाँ है, किधर लेके जा रहे हैं साले, कुछ पता नहीं है। इसकी माँ का मजा ही मजे, गाड़ी खुद की नहीं है, दोस्त की गाड़ी उठा ली, इसकी माँ का मजा ही मजे। पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल चुरा लिए दूसरों की गाड़ियों में से, इसकी माँ का मजा ही मजे। करियर क्या है, क्या बनेंगे, क्या उखाड़ेंगे जिंदगी में, कुछ पता नहीं है। इसकी माँ का मजा ही मजे। पहाड़ों में जाना है, पहाड़ कहाँ है, धूप में घूम रहे, इसकी माँ का मजा ही मजे। वैसे किसी ने सही कहा है, वक्त का पता ही नहीं चलता जब हम उस इंसान के साथ होते हैं जिस इंसान से हमें लगाव होता है। और पता है हमारे साथ भी वही हुआ। किसी अनजान मंजिल की सड़क के किनारे बाइक पार्क करके हम चारों यूं ही बैठ गए और जिंदगी की बातें करने लग गए। वैसे जिंदगी की बातें तो आए दिन यूं ही होती रहती है, और उस शाम जो बात हुई उसमें एक अलग सा सुकून मिला। सफर करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, और रात होते ही हम फाइनली पहुंच गए शुभम के पापा के घर पर, और वहां पे हमने रात कुछ यूं गुजारी। सफर परिंदों के सफर सुकून है, मंजिल कैसी भी हो चलना जरूरी है। उड़ा ले जाए रास्ते कोई भी मंजिलों पर, याद रखना हमेशा उड़ना जरूरी है। जी हाँ, ये जो शायरी आपने अभी अभी सुनी इसका सीधा सरल भाषा में सिर्फ एक ही मतलब है कि जिंदगी में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक बार बाहर निकल कर देखो, जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है। और इसी के साथ इस ट्रैवल फिल्म को हम यही खत्म करते हैं, पर मंजिल और कहानी अभी भी अधूरी है क्योंकि ये थे सिर्फ पार्ट 1 की कहानी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।